गाइस वेलकम टू पार्ट टू। और इस वाले वीडियो में हमने वही से शुरू किया जहाँ से हमने छोड़ा था। इस वाले वीडियो में हम जा रहे हैं बाबा हरिभजन सिंह के मंदिर, जो कि बहुत ही एक पावरफुल बाबा थे। मतलब एक्चुअली वो एक आर्मी थे और उनका स्टोरी हम यहाँ पे बाद में वीडियो में बताते रहेंगे। और हम गए हाईएस्ट एल्टीट्यूड में, जो कि चाइना इंडो बॉर्डर था, और बहुत ही बादल था, बहुत ही बारिश था, फिर भी हम एक्सट्रीम लेवल में हमने वीडियो बनाया है आपके लिए, राइडर्स से मिले हैं आपके लिए, तो बने रहिए वीडियो में। और गाइस अभी हम जा रहे हैं हमारे बाबा हरिभजन सिंह के मंदिर की तरफ, और मंदिर की तरफ जाते जाते हमने ये वीडियो बनाया। और वीडियो यहाँ पे मतलब सोचा था कि थोड़ा सा काट उठ के वीडियो छोटा बनाऊंगा, बट यहाँ पे काटने का सवाल ही नहीं आता, इतना अच्छा अच्छा सीन है। आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा तो किसके लिए रिकॉर्ड कर रहा हो भाई, तो इसीलिए वीडियो में बने रही है। और इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे चाइना बॉर्डर, जो कि बहुत अच्छे खासे एल्टीट्यूड में और ठंड भी है भाई साहब। इतना अच्छे अच्छे राइडर्स से मिले हैं ना, मतलब क्या ही बोले, बहुत ही अच्छा अच्छा है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे पीछे पीछे, बाकी राइडर्स तो है हमारे आगे आगे है ना, पीछे पीछे आप लोगों को रहना पड़ेगा। तो ये बाबा हरिभजन सिंह का मंदिर, और इनका स्टोरी तो किसको नहीं पता, जिसको नहीं पता वो गूगल में सर्च कर लो, क्योंकि जिसका जिसका नहीं पता वो तो बेकार हो जाएगा। बहुत सही है, हमारे बाइक का ऊपर रखा है ये बाबा, तो अभी भी इनका मतलब ड्यूटी करते हैं वैसा टाइप है ना, तो इनका सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। और उनके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय झंडे का भी। तो यहाँ पे अभी मंदिर पे हम पहुँच गए, हम मंदिर जाके आप लगा जो मतलब यहाँ पे पूजा हो रहा है वो चीज़ दिखाएंगे, और अलग ही लेवल का ये अलग मंदिर है। यहाँ पे हमें हरिभजन सिंह जो मतलब बाबा है उनके मंदिर में आए थे, आप आगे के क्लिप्स में देख लिया होगा। और इनके यहाँ पे ना ऐसा मान्यता है, यहाँ पे एक डायरी होता है, उन पे अगर कुछ लिख के हम मतलब उनके वहाँ पे ऑफिस में रख देते हैं तो ये पूरी होती है मन्नतें। तो मैंने भी कुछ किया अपने फैमिली के लिए इसे ही, कुछ अपने के लिए इसे ही, तो वो बताया नहीं जाता है, उसके लिए हमने मन्नतें मांगी। और मेरे जो मतलब अलग बात है वो छोड़ दीजिए, नीचे का अगर हिस्से का मतलब सपोज़ कमर के नीचे का हिस्से का अगर आपका कुछ पेन वगैरह है, कुछ बीमारी है, वो अगर दूर करना है ना, एक चप्पल मिलता है वो ख़रीद लेने के, यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद हम उसको ले जा सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ले लिया है यहाँ पे रख दिया अभी। और रोहन ने भी कुछ कुछ किया है, तो अभी ऊपर जाएंगे कुछ खाना भी ना खा लेंगे। और हुआ ऐसा क्योंकि मतलब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है ना, पानी भी नहीं पिया है बहुत, इसलिए सिर दर्द हो रहा है। और इधर गाना बज रहा है, कॉपीराइट आएगा, उससे अच्छा बंद ही कर देते हैं। तो गाइस यहाँ से बाबा मंदिर से निकल के हम थोड़ा सा यहाँ पे आ गए, और रोहन यहाँ पे मर गया है, ठंडा पानी मिल गया इसको, बहुत ही सही एकदम। वहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं, इधर बाइक्स है पूरा एकदम पूरा का पूरा, यहाँ पर शायद थोड़ी देर बाद कुछ होगा। तो गाइस अभी हम खाने के लिए लाइन कर रहे हैं एकदम, और यहाँ पे रोहन और मैंने खाना ले लिया, यहाँ पे सर्व कर रहे सब लोग, तो यहाँ पे सब राइडर्स लोगों के लिए। और रोहन ने पूरा चिकन विकन ले लिया है, हमने भी ले लिए हैं, और इस मस्त मौसम में खाते हैं बस। बट बहुत ठंड हो रहा है अभी ज़्यादा, मतलब हमने डर लग रहा है कि बारिश मतलब ऐसा आ गया ना तो बहुत भीगना पड़ेगा, पूरा ये बादल भी तो बहुत भिगा देता है। तो कोई ना, हम खाना एंजॉय करते हैं, आप लोग भी बैठिए थोड़ा सा खा लीजिए। चलो तो गाइस यहाँ पे हम अभी नाथुला आवास पूरा पहुँच चुके हैं, और ये रहा ऊपर चाइना बॉर्डर। आप लोगों को जो उधर घर दिख रहा है ना, उधर चाइना में है, और इधर ये गेट, उसके तरफ वो चाइना। तो मतलब समझ रहे हो कैसा चीज सीन है, मतलब क्या है, कैसे रह रहे भाई सब, इतना सिक्योरिटी एकदम पूरा जवान पे है पूरा, इधर बहुत ही सही है। और ऊपर वो चाइना का बॉर्डर डायरेक्ट तार लगा हुआ है वैसा टाइप करके, खतरनाक यार। ये इंडिया का हमारा से गेट है इधर, बहुत सही भाई यार, यहाँ तक पहुँच गया अभी, बहुत सही है। और यहाँ तक पहुँचने में जो मेहनत है, साथ में आए हैं और जो मेहनत है बहुत सही लग रही है, उसका मतलब फल मिलता है। और बंधुआ कुछ बोलोगे? हाँ चलो अभी ऊपर। किधर? चाइना बॉर्डर उधर ही है यार। वही तो, अजीब लग रहा है ना। चलिए कोई ना, वहाँ पे ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या है, देखते चलिए सब लोगों के साथ जाते हैं। वैसे अभी चाइनीज ऑफिसर्स आर्मी ऑफ आ गया है, बहुत ही वो करते एकदम मस्त,
मतलब बात कर रहे पता नहीं क्या ना, हम ये वैसे भी ना कुछ है नहीं। मैं रह गया था, रोहन नीचे आ गया था, तो सर मिल गए थे, तो सर उन्होंने मुझे नीचे लेके आया और फिर फोटो वोटो खींचे, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। All right. So like it was a lovely ride. So like very much looking forward for such lovely ride in the near coming future, and a very happy Independence Day once again. So yeah, it was really nice meeting you. Okay, take care, study well. See you. Okay. Ride safely. Yes sir. Okay. Bye sir. Yes sir. So यही था गाइस, अभी यहाँ पे पहुँच के सब खत्म हो गए, अभी चाहते हैं अब अपने कार्य यही पे। चलिए चलते, बहुत बादल बदल हो गए, पूरा पानी पानी हो गया मैं तो। अभी रोहन बाबा फिर से बाइक चलाएगा, हम पीछे बैठेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो वैसे यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया था ऑनलाइन ना वीडियो, हाँ ये हमारे गाड़ी है, थोड़ा सा वेट किया था, इतना ठंड है ना, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और ऊपर से मतलब क्या हो रहा है, बहुत कोहरा था, तो धीरे धीरे हम आ रहे थे, इसीलिए रोड नहीं चला रहे थे बेचारे, उसका भी हाथ वाथ पूरा सुन्न हो गया ना, तो अभी थोड़ा सा देख लेते क्या होता है, थोड़ा सा रेस्ट करके आराम से जा रहे हैं, और पीछे वो बाकी रेडर्स भी हैं और बाकी ज़्यादातर रेडर्स तो चले गए, तो बने रहिए वीडियो में। हालाँकि हालत ख़राब नहीं है, ख़राब नहीं है मतलब ख़राब है भी नहीं है वैसे भी, तो बने रहिए। तो गाइस यहाँ पे हम अभी MG मार्ग में हैं और साइड से रास्ते से गाड़ी चला रहे हैं बस, और थोड़ा सा गूगल मैप से उल्टा उल्टा हो गया, और इसके बाद हम जब पूरा एकदम घर पहुँच गए, और इस वीडियो का साउंड क्यों गायब हो गया मुझे भी नहीं पता, तो बहुत ही अच्छा लगा राइड, बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से मिले, बहुत ही अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस हुआ, तो बहुत ही सही था। फिर से कहीं ना कहीं हम राइड प्लान करेंगे, रोहन साथ में हो ना हो या फिर जो भी हो जैसा भी हो, जो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, और वैसे भी एक प्लान बन रहा है, खिचड़ी पक रहा है, तो यूट्यूब में नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। अभी फ़िलहाल शायद वीडियो कभी ना आए क्योंकि एग्ज़ाम अभी लास्ट फाइनल एग्जाम जो मेरा डिप्लोमा का लास्ट एग्ज़ाम है वो बचा है, तो बने रहिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो में नहीं भाई, चैनल पे ही बने रहिए।